जिस दिन हीरा मिला उस दिन भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं देते? नहीं, 150 दे देंगे, क्या उतने में बड़े आदमी हो जाएंगे। जब ही भर मिला है अपनी खुद की खदान पे, उसमें हमें मिल गए थे 2.5 लाख। वो अब बच्ची की शादी बड़ी की करे थे। अधिकतर हमने देखा है कि महिलाएं जो हीरा व पत्थर की खदानों में काम करती हैं, उनमें ज़्यादातर खून की कमी होती है। बहुत हमने केसेस ऐसे देखे हैं जिन महिलाओं काम करते हुए बेहोश हो जाना या चक्कर आ जाना, इस तरीके के केस होते हैं। मामला ये है कि उनके जो रोज़गार के साधन हैं वो बिल्कुल ठप हैं, उनके खान पान की जो स्थिति बहुत दयनीय है। महिला दिन भर काम करती है और शाम को जब आती है उनको 150-200 रुपये ही मिल पाता है, तो उतने में अपना परिवार कैसे चला पाएगी? हाँ, पहली बार ही आया मैं यहाँ पे। 2-3 साल से सोच रहा था जाऊँ, अब बच्चे बड़े हो आए हैं शादी के लिए, पैसे है नहीं, इस लॉकडाउन में कर्जा हो गया है, 70-80 हज़ार रुपये कर्जा हो गया। अब दिक्कत तो दिक्कत ही दिक्कत है, यहाँ पे हैं घर की टेंशन है, 2 घंटा काम करते हैं धूप ज़्यादा निकलने लगी, पानी की परेशानी है, हर चीज़ है। इसको हम सोच रहे हैं 15 दिन ये खुदाई करेंगे, थोड़ा सा ये ढेर लगा के फिर बरसात में आएंगे, आषाढ़ में जब पानी गिरेगा तब इसको धोएंगे, उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा, नसीब का खेल है। जंगल में जाओ तो फॉरेस्ट वाली पकड़ते हैं, खदान खोदें तो फॉरेस्ट वाली पकड़ लेते हैं, और यहाँ आते हैं खदान में तो बंद है, कहाँ जाएं? वो हीरा खदान पत्थर खदान बच गई, जैसी बंद हो गई तो कम से कम नकड़िया बेचने लगेंगे। अगर आपने पूरे रोजगार बंद कर दिए तो यहाँ के मजदूर कहाँ जाएंगे? उनके लिए हमें नए रोजगार के आयाम ढूंढना पड़ेंगे, जैसे टूरिज्म है, फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस है उसको हम कैसे ओबलाइज करें कि लोगों को उससे रोजगार मिल सके।